हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर आया हूं जिस प्लॉट की साइज है 25 फीट बाई 50 फीट है। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 25 फीट। 25 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ सामने से पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 50 फीट है। 50 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई हो जाएगी। तो 25 × 50 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया है और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। मतलब कि जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ एक सामने से ओपन है, बाकी तीनों तरफ से पैक है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है। इस बाउंड्री वॉल पर हमारे पास आ रहा है 6 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास बरामदा बना हुआ जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 12 फीट है। 5 बाई 12 का हमारा बरामदा रहेगा। बरामदा के इस तरफ हमारा छोटा सा गार्डन एरिया रख सकता है 5 फीट 10 इंच बाई 8 फीट 10 इंच के अंदर। और इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों बाइक, जो हमारी मोटरसाइकिल वगैरह है, बाइक वगैरह, वो पार्किंग है यहाँ पर, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 13 फीट 10 इंच। 6 फीट चौड़ाई के अंदर है और 13 फीट 10 इंच लंबाई के अंदर है। तो यहाँ पर आपकी 2-1 बाइक आराम से खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर ये बरामदा रहेगा और इस तरफ ये गार्डन रहेगा। ये कुछ फ्रंट लुक इस टाइप से आएगा। और बरामदा के जैसे सामने हमारा घर का मेन डोर आ रहा है 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट। 10 बाई 11 का हमारा किचन रहेगा, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। किचन से आगे से चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास बना हुआ है डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 9 इंच बाई 15 फीट 9 इंच। 11 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया रहेगा। और इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों है स्टेयरकेस, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे डाउन और 3 फीट बाई 3 फीट का हमारे पास रहेगा स्टेयरकेस का लैंडिंग। अब यहाँ पर देखिए, जो स्टेयरकेस का सेकंड लैंडिंग है तो यहाँ पर लगभग आपकी 7.5 फीट के आसपास हाइट चली जाएगी। तो इसके नीचे से यहाँ पर दरवाजा होगा और ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 7 फीट है। 4 बाई 7 का हमारा टॉयलेट है, जिसका वेंटिलेशन हमारा यहाँ पर हमने एक छोटा सा OTS छोटा का है, इसके अंदर इस टॉयलेट का वेंटिलेशन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। टॉयलेट से बाहर आते हैं तो ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ रहा पूजा रूम, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट। 5 बाई 6 का हमारा पूजा रूम रहेगा, जिसकी 3 फीट की विंडो हमारी जो पार्किंग एरिया उसके ऊपर निकल रही है, ठीक है। पूजा रूम से बाहर आते हैं तो वापस आगे चलते हैं तो ये देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा आ रहा घर का फर्स्ट बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट है। 11 बाई 12 का हमारा बेडरूम है, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी पीछे निकल रही है पश्चिम दिशा के अंदर। यहाँ पर हमने बालकोनी छोड़ रखी है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 11 फीट की हमारी बालकोनी है, जिसके अंदर इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। प्लस इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है। आप इस बेडरूम से बाहर आते हैं, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 9 इंच बाई 12 फीट है। 11 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो भी इस बालकोनी के अंदर निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। तो 25 फीट बाई 50 फीट हमारे पास प्लॉट की साइज है। यहाँ पर 6 फीट का मेन गेट है, ये हमारा बरामदा रहेगा। इस तरफ गार्डन है, इस तरफ बाइक पार्किंग है, ये हमारा घर का मेन डोर है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर है पूजा रूम, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के पीछे यहाँ पर टॉयलेट है, OTS है और फिर यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम और यहाँ पर पीछे बालकोनी हमने दे रखी है। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको उसकी पूरी डिटेल वगैरह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मकान के डिज़ाइन के बारे में लेकर इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।